लाइट हाउस प्रोजेक्ट के इस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद, विधायक, उप महापौर, पदाधिकारीगण, आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में अपनी ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री जी को जोहार करता हूं। निश्चित रूप से लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो आज 7 राज्यों में एक साथ शिलान्यास किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न राज्यों में रहने वाले गरीब कम आय वाले लोगों को लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से एक लंबी दूरदर्शिता के साथ आपने ये योजना प्रारंभ किया है। वैसे हम वर्षों से लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवास दे रहे हैं और एक बड़ी पहल शहरी क्षेत्रों के लिए आपने किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक संक्षिप्त आग्रह करना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से शहरों में लोगों का आना और यहां बसना होता है, बहुत सारे गरीब मजदूर शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं और बस जाते हैं। ये अनवरत ये चीजें चलती रहती हैं और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर भविष्य में भी आते रहेंगे। मुझे लगता है सर इसमें एक लंबी चर्चा के साथ एक ऐसी कार्य योजना हम तैयार करें जिसके माध्यम से इस तरीके के लोगों को हम लोग समय समय पर मदद पहुंचा सके। सर, झारखंड अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है, यहां इस LHP प्रोजेक्ट के माध्यम से 1008 घरों को बनना है और इसमें सर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एक हिस्सेदारी है और लाभुकों की एक हिस्सेदारी है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा सर, मेरा आग्रह होगा कि झारखंड में लोगों की आय बहुत कम है, मजदूर तबके के लोग इस राज्य में अधिक वास करते हैं
हम उन मजदूरों के ऊपर अधिक से अधिक आर्थिक बोझ कैसे कम हो, इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि और चिंतन करने की आवश्यकता है। लगभग 7 लाख रुपए गरीबों को अपने खुद से इंतजाम करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता तो ये बहुत अच्छा हो। इसे सर यही आग्रह के साथ आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ उपस्थित विभिन्न राज्यों के।